देखिए, वो लोग कट्टर बेईमान झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जेल तंत्र को बर्बाद करके जेल मंत्री रेपिस्ट से मसाज कराता हो, कट्टर बेईमान लोग, कट्टर भ्रष्ट लोग हैं। अन्ना हजारे जो उनका गुरु था, जिन्होंने अपने गुरु को ही धोखा दे दिया, तो बाकी किसका करने वाले भाई वो? तो ये ताहिर हुसैन कौन था, किसने दंगे कराए और दंगों को बचाने वाले कौन है? देखिए, केजरीवाल इस देश की राजनीति के सबसे झूठा, सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े निकम्मे, एक नाकारा व्यक्तित्व के धनी है। मेरे खिलाफ भी केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा आदमी एक चुनाव मैदान में उतारा था, 1300 वोट आए जी, जमानत बचना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये औकात है केजरीवाल की, बिजली के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया, उस महाठग ने किस तरह से बर्बाद कर दिया। शराब घोटाले में पूरी दिल्ली को नशेबाज बनाने की जो योजना थी, लोग शराब पिए और केवल उसको वोट करें, यही तो चाहते थे वो। आज देख रहे हो उनके डिप्टी सीएम जेल जाने को तैयार हैं, कैसा छटपटाते हैं जब सीबीआई कोई कार्रवाई करती है, तो बहुत जल्दी जेल भी जाएंगे वो। दोस्तों नमस्कार, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो यमुना बिहार से विधायक हैं और क्या रणनीति रहेंगी, और केजरीवाल जिस तरीके से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो उनको लेकर के भी विधायक जी से बात करते हैं। केजरीवाल हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, और यहाँ पर भाजपा पूरे दमखम लगा करके एमसीडी में उतरी है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो लोग कट्टर बेईमान झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जो डीटीसी घोटाले में हों, जो क्लासरूम घोटाले में हों, जो जल घोटाले में हों, जो आबकारी शराब नीति घोटाले में हों, जो टिकट बिक्री घोटाले में हों, और कितना भ्रष्टाचार उजागर होगा, तो वो झूठे मक्कार लोग हैं जो जेल में जेल तंत्र को बर्बाद करके जेल मंत्री रेपिस्ट से मसाज कराता हो। इनकी कितनी घटिया सोच और संस्कृति है, इसलिए जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और इन्होंने दिल्ली में कोई वादे पूरे नहीं किए, ना तो इन्होंने दिल्ली को साफ पानी दिया, ना दिल्ली की हवा साफ की प्रदूषण की, ना यमुना मैया को साफ किया। 5 साल में एक नई बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगाई, 5 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया, तो किस मुँह से ये वोट मांग रहे हैं? इन्होंने एक भी वादे अपने पूरे नहीं किए हैं। ये मक्कार लोग, कट्टर बेईमान लोग, कट्टर भ्रष्ट लोग हैं, जो अपना दूसरा चेहरा लगा के घूम रहे थे, जो एक्सपोज हो चुके हैं, जनता उन्हें वोट नहीं देगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम जैसे गली मोहल्ले में घूमते हैं, तो वहाँ एक लाउड स्पीकर पर आवाज़ आ रही है कि अगर फ्री पानी चाहिए तो आम आदमी को पार्टी को वोट करें, अगर पानी पैसे से चाहिए तो भाजपा को वोट करें, सड़क बर्बाद चाहिए तो भाजपा को वोट करें, सड़क हमें हम अच्छी बना करके देंगे, वो भी फ्री में देंगे। इसका मतलब वो क्या धमकी दे रहे हैं कि वो भाई पानी तो दिल्ली सरकार के पास है, एमसीडी के पास थोड़ी है, तो इसका मतलब आप एमसीडी में वोट अगर उनको नहीं देंगे तो वो अपना पानी बंद कर देंगे? ये तो धमकी है, गुंडागर्दी है, जनता को जवाब देना चाहिए और वोट की चोट मारनी चाहिए। बिजली के लिए भी इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अगर 300 यूनिट फ्री चाहिए तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाना होगा। मैंने क्या कहा, एमसीडी का दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, केंद्र से सीधा संबंध है। अब जनता जो त्रस्त हो गई थी इनकी मेहरबानियों के लिए, अब जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार सीधा फंड देंगी, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन सेवा करेगी। और भी प्रभारी साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं। सर कैसे देख रहे हैं जो एमसीडी का चुनाव है, और एक तरफ कट्टर ईमानदारी की छवि बनाई जा रही है और एक तरफ भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को मसाज दी गई, तो वो तो डॉक्टर की गाइडलाइंस में उनको थेरेपी दी जा रही थी। किसने दी थेरेपी? दी किस रेपिस्ट ने दी? वहाँ थेरेपिस्ट नहीं होते, क्योंकि मैं 2006 की, क्योंकि उस जेल को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब दिल्ली के अंदर सीलिंग हुआ, मैं जिला अध्यक्ष था, मैं उस जेल के अंदर तिहाड़ में रहा हूँ, तो वहाँ पर जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर होते हैं लेकिन जो ये थेरेपिस्ट था, कौन था? रेपिस्ट था। उनकी जो कथनी और करनी है वो अलग है, वो जो कहते हैं वो नहीं होती। उन्होंने, आपने कहा कट्टर ईमानदार, आपने 4 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन देखा, बिंदु श्री राम ने एक दिया, वो उनकी कार्यकर्ता थी, किस प्रकार से उन्होंने जो पुनीत और शराब, दिनेश शराब दोनों ने किस प्रकार से बात की, किसकी चर्चा की, उन्होंने 5 व्यक्तियों की जो चर्चा की, तो उसके अंदर कौन विलडोल थे भाई? वहाँ का जो विधानसभा स्पीकर, उसका उस समधि है, उन्होंने पैसे लेते हुए सौदा तय किया जो 80 लाख रुपये हम लगे, आपके सामने उनके चिट्ठे हैं, काई के ईमानदार। दिल्ली की जनता को गुमराह कैसे किया गया? जो ईमानदार व्यक्ति था, अन्ना हजारे जो उनका गुरु था, जिन्होंने अपने गुरु को ही धोखा दे दिया, तो बाकी किसका करने वाले भाई वो?
सबसे बड़ी बात तो ये भी आ रही है कि क्या जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि कट्टर ईमानदार इसीलिए मटियाला में जैसे विधायक हैं उनको कूटा जा रहा है, इसीलिए जनता भी समझ रही है? क्यों नहीं, मटियाला के जो विधायक हैं यादव जी, तो मैं वहाँ पर 2019 के लोकसभा का इंचार्ज रहा हूँ, मुझे सारी एक एक चीज़ का पता है। अगर किसको पीटा, कोई हमारे विधायकों को कह के तो देखो, हम भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता की, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ प्रभारी हूँ, मैंने दो कार्यकर्ता जो हमारी मलकागंज की सीट है वहाँ पर, हमारी इतनी पुरानी कार्यकर्ता है रेखा अमरनाथ को हमने लड़वाया, हमने बुराड़ी के अंदर रेखा रावत जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के निर्णय करती है, वो तो पैसे वालों की पार्टी है और पैसे वालों को एक एक करोड़ में, दो दो करोड़ में टिकट, उनका चरित्र सामने दिखाई दे रहा है। और ये जहां हम खड़े हैं तो ये ताहिर हुसैन कौन था, किसने दंगे कराए और दंगों को बचाने वाले कौन हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का संस्कार और संस्कृति जो उसके अंदर दी जाती है वो देश सर्वोपरि है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सारी चीज़ें बाद में, क्योंकि ये संस्कार हैं, इसलिए उनके कोई संस्कार नहीं है, न संस्कृति है। जिस जितेंद्र जैन की आपने बात की, क्या है उनके कितने विधायकों का चरित्र आप देख लीजिए, क्या राशन कार्ड के अंदर वो हमारी बहनों के साथ क्या करें, ये आपने बहुत अच्छा उनका चाल चलन दिखाई देता है। सवाल ये भी है कि अगर इतनी ही अच्छी छवि बना करके दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई और एमसीडी में भी आना चाहते हैं, तो उनके कार्यालयों पर बार बार जगह जगह अब हमला हो रहा है, कहीं विधायक पीटे जा रहे हैं, कहीं पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पीटा जा रहा है, इस तरह की छवि कैसे बनती जा रही है? भैया उनके कार्यकर्ता पीट रहे, कोई हम तो नहीं पीट रहे, तो उनके कार्यकर्ताओं को पता लगता जो उनके आकाओं की क्या स्थिति, वो किस मुद्दे पर चुनाव, वो कहते हैं दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया, तो उसे पूछने वाला भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के अंदर एक भी कूड़े का, जो पहले दिल्ली की स्थिति थी, आज एक भी कूड़े का डंपर नहीं दिखाई देगा आपको, घर से कूड़ा अगर लेके जाती है तो हमारी जो पार्षदों के, किसने पैसा रोका दिल्ली के अंदर 2007 से लेकर 2013 तक, हमारी सरकार तो नहीं थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस की थी, लेकिन वो आज यहाँ इसमें नहीं है, लेकिन उसने दिल्ली के विकास के लिए नगर निगम का पैसा नहीं रोका, ये 2013 से लेकर और 2022 तक जब इसकी ये रहा, तो इसने हमारा 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, जो हम आपके चैनलों के माध्यम से आपके सामने, जल बोर्ड के कितना घाटे में, जब शीला दीक्षित गई तो घाटे में नहीं थी, आज घाटे में, ये क्या कहता था शीला दीक्षित के लिए, इसकी आदत है, इसने किसके साथ अपनी माफ़ी नहीं मांगी, झूठ बोलना इसका कर्म है, इसने क्या अरुण जेटली पर नहीं लगाया आरोप, क्या नितिन गडकरी जी पर नहीं लगाए, क्या शीला दीक्षित पर नहीं लगाए, किसको इसने जेल भेजा भाई, कोई सबूत होंगे तो, इसका काम स्वाय और स्वाय झूठ बोलना है, किस प्रकार से इसने पंजाब के अंदर गुमराह किया, दिल्ली का डेवलपमेंट का पैसा पंजाब में लगा, इस प्रकार के व्यक्ति जो सुबह झूठ बोलना शुरू करता है, कहता क्या है इसका मनीष सिसोदिया जी कि भारतीय जनता पार्टी सुबह गाली देनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई गाली नहीं देता, क्योंकि उसके संस्कार और संस्कृति उसके रगों रगों में है, तो इसलिए गाली देने का हमारा काम नहीं है, तुम ही अपनी ओछी हरकतों से, हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है, क्योंकि जिस वर्ग से हम आते हैं, जिस हमारी संस्कृति सीखी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं में बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजेश जी हैं, राजेश जी माठ विधानसभा से आते हैं, सर कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ केजरीवाल हैं कह रहे हैं कि भाजपा वाले तो मनोहर कहानियां सुना रहे हैं और इस तरह का कुछ है नहीं, अब की बार तो उखाड़ करके फेंक देंगे। देखिए केजरीवाल इस देश की राजनीति के सबसे झूठा, सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े निकम्मे, एक नाकारा व्यक्तित्व के धनी है, और वो यदि कोई बात कह रहे हैं तो समझिए उसका उल्टा होगा, वो कभी सच नहीं बोलते। मोदी जी को पहले वो टारगेट करते थे, आजकल मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया के सामने। अभी केजरीवाल की हालत देखी ना उत्तर प्रदेश में, मेरे खिलाफ भी केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा आदमी एक चुनाव मैदान में उतारा था, 1300 वोट आए जी, जमानत बचना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये औकात है केजरीवाल की, और दिल्ली की जनता समझदार जनता है, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, वो केजरीवाल की बातों में नहीं आने वाले हैं। आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें केजरीवाल ही नज़र नहीं आएंगे। और निगम एक बहुत बड़ी संस्था है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया के अंदर
दिल्ली का एक अपना एक अलग स्थान है, तो बहुत समझदारी के साथ वोट करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत में आएगी। विधायक जी, एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो हर जगह जगह जाते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, हमने शिक्षा को, स्वास्थ्य को और इन चीज़ों को, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के हमने दुरुस्त कर दिया। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ भी यही मॉडल लागू किया था, परंतु वहाँ तो दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग शुरू हो गई, इस तरह का मॉडल देना चाहते हैं क्या? देखिए, हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, तो वो चढ़ गई। आपको दिल्ली का मॉडल देखना है तो चलो मैं अभी यहाँ से बाहर निकल के चलेंगे, बगल में ही मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर कूड़ा है, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। जिस स्थान पर कूड़ेदान होता था वहाँ पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, और मोहल्ला क्लिनिक केवल इसलिए बनाए, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, कि उसमें भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे कमा सकें। दिल्ली की गाड़ी कमाई को, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को चूज करके पंजाब में खर्च करने का काम किया, आज पंजाब को बर्बाद करने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। वहाँ पर आतंकवाद पनप रहा है, वहाँ पर देश विरोधी गतिविधि पनप रही है, वहाँ पर जिस तरह से आज युवा को नशे में धकेला जा रहा है, पहले से ही बर्बाद था और बर्बाद करने की स्थिति में केजरीवाल जा रहे हैं। तो केजरीवाल तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। जैसा कि दिल्ली के हम गली मोहल्ले में जन जन की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का आखिरकार मन में क्या है, तो वहां पर एक आवाज सुनने को मिलती है जो रेडियो पर चलाई जा रही है, कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री चाहिए तो आम आदमी को वोट दें, अगर दिल्ली को बर्बाद करना है तो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने तो कहा था कि हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे, टैंकर सिस्टम खत्म कर देंगे, वो तो बढ़ा दिया। आप देख रहे हो दिल्ली जल बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला हुआ, बर्बाद करके रख दिया दिल्ली जल बोर्ड को। पहले वो जो जिम्मेदारी मिली है उसी को निभा लें, बिजली के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया उस महाठग ने। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो जनता के सामने है। और नगर निगम कोई राज्य सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, राज्य सरकार के अधीन नहीं आता। आज जो नगर निगम बना है दिल्ली के अंदर वो स्वायत्त शासी संस्था है, और केंद्र सरकार से सीधा उसको फंड आएगा, और मेयर का जो ओहदा होगा एक और प्रतिष्ठित ओहदा होगा, ये जनता जानती है, केजरीवाल की बातों में नहीं आने वाली। किस तरह से बर्बाद कर दिया शराब घोटाले में, पूरी दिल्ली को नशेबाज बनाने की जो योजना थी, लोग शराब पिए और केवल उसको वोट करें यही तो चाहते थे वो। आज देख रहे हो उनके डिप्टी सीएम जेल जाने को तैयार हैं, कैसा छटपटाते हैं जब सीबीआई कोई कार्रवाई करती है, तो बहुत जल्दी जेल भी जाएंगे वो। केजरीवाल कह रहे हैं कि बार तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे एनसीडी से, वो सपना उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं, और मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने को, कुछ नहीं कर पाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी का।